प्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी आवाज उठाते हैं, एक सिरे से उन्हें खारिज किए जाने की आवश्यकता है। आतंकवाद की इस लड़ाई को, देश की लड़ाई, जिस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और उसके खिलाफ पूरी दृढ़ता से रात लड़ने की एक इच्छा शक्ति दिखाई है, समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ भारत सरकार के साथ खड़ा होना होगा और आतंकवाद को हर प्रकार से नेस्तनाबूत करने के संकल्प के साथ जिस दिन प्रत्येक भारतवासी खड़ा होगा, आतंकवाद न केवल भारत से अपितु दुनिया से भी आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का नेतृत्व भारत करेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः बुंदेलखंड की वीरों और वीरांगनाओं की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए, कल कश्मीर में शहीद होने वाले उन सभी जवानों को कोटि कोटि नमन करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश पूरा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करेगा, उनके मार्गदर्शन में कार्य करेगा। इस संकल्प को यहां पर दोहराते हुए बुंदेलखंड को ढेर सारी योजनाओं को लोकार्पण और आधारशिला के लिए समय देने के लिए एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगत अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं परम आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर विभिन्न